सर आप खुद भारत सरकार के रेवेन्यू विभाग के सेवानिवृत्त IRS है। अब आप राष्ट्रीय राजनीति में भी हैं। देश भर में अलग अलग मतलब लोग जो IAS IRS IPS रहे वो राजनीति में हैं, लेकिन कुछ महाराष्ट्र या कुछ अलग राज्यों के भी हो सकते हैं कि वो ज़्यादातर कांग्रेस या BJP के साथ है। जो IAS IPS या IRS या बड़े जो होदे के लोग हैं वो सेवा और निवृत्त होने के बाद कांग्रेस और BJP के साथ है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो खुद ऐसे जो IRS IAS अधिकारी जो है, जो खुद को अंबेडकराइट कह के समाज में प्रोजेक्ट करते रहे हैं और फिर रिटायर होकर वो अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं या BJP के साथ जाते हैं, तो इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि वो कभी अंबेडकराइट रहे ही नहीं। हाँ? तो फिर वो अगर अंबेडकराइट होते तो वहां जाते नहीं, और अगर वो वहां गए हैं तो इसका मतलब जो है उनका कोई स्वार्थ है। और स्वार्थ क्या है? तो इस देश की सत्ता में, पॉलिटिकल पावर्स में उनको भी व्यक्तिगत स्तर पे स्थान मिले, इसके लिए वो वहां गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अंबेडकराइट अगर होते तो जो अंबेडकराइट राजनीति ही करके उन्होंने सत्ता में जाना चाहिए था, लेकिन अंबेडकराइट राजनीति नहीं करके अगर वो BJP और कांग्रेस के माध्यम से सत्ता में जाना चाहते हैं, तो इससे ये क्लियर साबित होता है कि वो कभी अंबेडकराइट रहे ही नहीं।